सो हे गाइस व्हाट्स अप, फाइनली यार अमेज़न के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो गया है एंड ट्रस्ट मी गाइस इस बार यार इस सेल में एकदम क्रेजी डील्स आपको देखने मिलती है। फिर चाहे आप बात कर लो यार पीसी कंपोनेंट्स की या फिर आप लैपटॉप्स की या फिर मोबाइल्स की, आपको काफी इनसेन डील्स इस बार देखने मिलेंगे। एंड अगर आप अमेज़न के प्राइम मेंबर हो तो भाई सेल का मजा तो आप आज ही से उठा सकते हो। एंड जो लोगों ने प्राइम मेंबरशिप नहीं परचेस की है तो भाई सेल का मजा आप आज रात को 12 बजे के बाद से उठा सकते हो। आज की वीडियो में इन्हीं डील्स के बारे में बताने वाला हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सब्सक्राइब बटन दबा के एंड जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑल पे करके जाना, उससे होगा ये कि फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट वीडियोस डालूंगा उसका पता आपको तुरंत से चल जाएगा। एंड गाइस इस वीडियो में आपको जो भी डील्स के बारे में बताने वाला हूँ सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप बाई कर सकते हो। तो गाइस डील्स के बारे में बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सेल में अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आपको अप टू 10% ऑफ मिलेगा, तो यार क्रेडिट कार्ड का यूज जरूर कर लेना। नाउ चलते हैं हमारे पहले डील की तरफ। अब जो हमारे पहली डील है ये है AMD की तरफ से। अगर आप एक सस्ता सा प्रोसेसर लेना चाहते थे 10,000 के अंदर तो आप Ryzen 3 3100 को कंसिडर कर सकते हो। ये वाला जो प्रोसेसर है फिलहाल डील में मिल रहा है, ये वाला प्रोसेसर आपको 9,000 rupees के अराउंड देखने मिल जाता है। एंड अगर आप HDFC का कार्ड यूज करते हो तो आपको ये वाला जो प्रोसेसर है 8,000 rupees के अराउंड मिल जाता है। एंड 8,000 rupees में ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही सही डील है। अब ये वाला जो CPU है क्वाड कोर CPU है, आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो अगर आपको बजट में एक प्रोसेसर चाहिए था। नाउ गाइस जो दूसरी डील आपको मिल रही है वो मिल रही है Ryzen 5 3600 XT के ऊपर। ये वाला जो CPU है अभी AMD ने लॉन्च किया था रिसेंटली एंड ये एक हेक्सा कोर CPU है। यहाँ पे आपको 6 cores and 12 threads मिल जाते हैं। अब ये वाला CPU डील में आपको 21,000 rupees में मिल रहा है एंड 21,000 rupees काफी सही प्राइस है इसके लिए। आप इसको 21,000 rupees में आराम से कंसिडर कर सकते हो और ये वाला जो प्रोसेसर है 3600 के कंपेरिजन में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो अगर आपको 20,000 के अराउंड कोई CPU चाहिए था तो ये वाला CPU ले सकते हो। एंड इसके ऊपर अगर आप HDFC का कार्ड लगाते हो ना तो आप इस प्रोसेसर को और चीप प्राइसेस पे खरीद सकते हो। नाउ गाइस जो हमारी नेक्स्ट डील है वो आपको मिल रही है Ryzen 7 3800 XT के ऊपर। ये वाला जो CPU है ये नॉर्मली 35,000 से लेकर 36,000 rupees में मिलता है, बट अभी डील के अंदर आपको 33,500 rupees में मिल रहा है। एंड ये एक ऑक्टा कोर CPU, यहाँ पे आपको 8 cores and 16 threads देखने मिल जाते हैं, तो काफी बेहतरीन CPU है। अगर आप एक डिसेंट सा बिल्ड बना रहे थे तो आप ये वाले CPU को कंसिडर कर सकते हो, काफी सही प्राइसेस पे आपको मिल रहा है। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। नाउ गाइस जो हमारी नेक्स्ट डील है वो है 3900 XT के ऊपर। अब ये वाला जो CPU है 12 cores and 24 threads के साथ आता है एंड जनरली ये भाई 50,000 के आसपास सेल होता है, बट फिलहाल डील में आपको 43,000 rupees का देखने मिल रहा है। तो अगर आप एक ऑलराउंडर CPU ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर आप सारे काम कर सको, फिर चाहे आपको गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो या फिर स्ट्रीमिंग करनी हो, ये वाला CPU आपको सारे काम करवा देगा। एंड अगर आप बाई करना चाहते हो तो इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके बाई कर सकते हो। तो यार काफी महंगे प्रोसेसर्स मैंने आपको बता दिए। अब इंटेल की तरफ से आपको बता देता हूं i3 9100F है ना, वो आपको 6,140 rupees में देखने मिल रहा है। एंड अगर आप HDFC का कार्ड यूज करते हो ना तो और सस्ते में उसको बाई कर सकते हो। तो अगर आपको 5,000 के अराउंड कोई CPU चाहिए था और एक क्वाड कोर CPU के लिए यार काफी सही प्राइस है, 5,000 rupees तक आप कार्ड यूज करके ले सकते हो इसको। तो गाइस ये थे वो कुछ डील्स प्रोसेसर्स के ऊपर, तो इनमें से आप कोई भी प्रोसेसर कंसीडर कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। नाउ मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि भाई मॉनिटर्स के ऊपर कौन कौन सी सही डील्स चल रही है। नाउ गाइस अगर आपको एक 7,000 से 8,000 rupees के अंदर मॉनिटर चाहिए था एक IPS पैनल तो आप ये सैमसंग के मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हो। अब जो फिलहाल बैकग्राउंड में मैं ये मॉनिटर यूज कर रहा हूं 24 इंचेस का, आपको सेम टू सेम ऐसा ही मॉनिटर मिलेगा, बट ये वाला जो मॉनिटर है ये 22 इंचेस का है। इसकी प्राइस फिलहाल 7,500 rupees में आपको ये मिल रहा है Amazon के ऊपर डील में एंड नॉर्मली ये 8,000 8,500 rupees के अराउंड सेल होता है, तो आपको यहां पे 500 से 1,000 rupees का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में आप HDFC का कार्ड भी यूज कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी गाइस ये वाला एक IPS पैनल है, काफी अच्छे कलर से एंड 75 Hz के साथ आता है। साथ में इस मॉनिटर के अंदर आपको AMD फ्री सिंक का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो अगर आपका बजट था अराउंड 8,000 rupees के आसपास तो ये वाला मॉनिटर आप कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर आपको 24 इंचेस वाला चाहिए तो वाला फिलहाल 9,300 rupees में मिल रहा है एंड मैंने भाई 10,500 rupees में बाई किया था, तो फिलहाल यार काफी सही प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप लेना चाहो तो वो वाला ले सकते हो। नाउ गाइस अगर आपको एक सस्ते में 144 Hz वाला मॉनिटर चाहिए तो आप Acer के Aopen मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हो। 24 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है एंड यहां पे आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। अब ये वाला जो मॉनिटर यहाँ पे आपको AMD फ्री सिंक का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है एंड इस वाले मॉनिटर में आपको 4 milliseconds का रिस्पांस टाइम भी देखने मिल जाता है। तो फिलहाल ये वाला मॉनिटर आपको 12,300 rupees में मिल रहा है 144 Hz के मॉनिटर के लिए, यार काफी सही डील है। इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। एंड गाइस अगर आप सैमसंग में 144 Hz लेना चाहते हो तो फिलहाल सैमसंग वाले मॉनिटर के ऊपर भी आपको काफी सही डील मिल रही है। अब ये वाला जो मॉनिटर ये कर्व्ड मॉनिटर है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आपको AMD की फ्री सिंक देखने मिल जाती है एंड इसमें आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाता है। ये
वाला मॉनिटर आपको 13,200 रुपीस में देखने मिल जाएगा। अब अगर आपको एक 27 इंच का IPS मॉनिटर चाहिए, साथ साथ में आपको रिफ्रेश रेट भी अच्छा चाहिए, तो आप ये वाले मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हो। LG का अल्ट्रा गेयर 27 इंच का मॉनिटर, साथ साथ में ये वाला मॉनिटर जी सिंक कंपेटेबल भी है, HDR10 को भी सपोर्ट करता है, 144 हर्ट्ज के साथ आता है एंड 1 मिलीसेकंड का आपको रिस्पॉन्स टाइम भी देखने मिल जाता है। फिलहाल ये वाला जो मॉनिटर है भाई काफी सही प्राइस पे मिल रहा है, आपको ओनली 20,700 रुपीज में मिल रहा है एंड ये वाला मॉनिटर भाई इस प्राइस पे यार काफी सही डील है, आप आराम से इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको एक जी सिंक कंपेटेबल मॉनिटर चाहिए था तो आप ये वाला मॉनिटर ले सकते हो, साथ साथ में IPS पैनल है, 27 इंच का आपको यहाँ पे स्क्रीन भी देखने मिल जाता है, तो ओवरऑल एक वेल बैलेंस मॉनिटर आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हो। नाउ चलते हैं हमारे लास्ट वाले मॉनिटर की तरफ। अब अगर आपको 240 हर्ट्ज का मॉनिटर चाहिए था जी सिंक कंपेटेबल तो आप सैमसंग का ये वाला मॉनिटर ले सकते हो। फिलहाल ये वाला मॉनिटर आपको 26,000 रुपीज में मिल रहा है एंड 26,000 रुपीज में गाइस 240 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने मिल रहा है, 27 इंच की यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने मिल रही है एंड सैमसंग जैसे ब्रांड के साथ आता है, तो अगर आप 25,000 के अराउंड कोई मॉनिटर ढूंढ रहे थे तो आप ये वाला मॉनिटर कंसीडर कर सकते हो। तो बस गाइस ये थे कुछ डील्स मॉनिटर्स के ऊपर। नाउ बात कर लेते हैं लैपटॉप्स के ऊपर कौन कौन सी डील्स चल रही है। नाउ अगर आप एक ऑफिस वर्क के लिए या फिर स्टडीज के लिए एक लैपटॉप ढूंढ रहे थे तो आप ये वाला लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो। अब इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, अविटा लिबेर, इसके ऊपर डील चल रही है, ये 14 इंचेस का लैपटॉप है। अब ये फिलहाल डील में आपको 38,000 रुपीस का मिल रहा है एंड कार्ड यूज करके आप इसको और चीप प्राइसेस में बाई कर सकते हो एंड पहले ये सेल हो रहा था अराउंड 40,000 to 45,000 रुपीस। तो इसमें आपको इंटेल का i5 10th जनरेशन का 10210U प्रोसेसर मिल जाता है, 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की आपको यहाँ पे SSD मिल जाती है, यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है एंड विंडोज 10 यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। तो ये वाला लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट 35,000 to 40,000 रुपए था तो। नाउ अगर आप इस वाले ब्रांड का नहीं लेना चाहते हो तो आप MI का नोटबुक 14 ले सकते हो, इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको 8GB रैम, 512GB की SSD देखने मिल जाती है एंड स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम है, बट ये वाले लैपटॉप की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, 43,000 रुपीस में आप इसको बाई कर सकते हो। दोनों ही लैपटॉप्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। नाउ गाइस इस वाले सेल में भाई आपको गेमिंग लैपटॉप के ऊपर यार काफी तगड़ी डील्स मिल रही है, तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि लैपटॉप्स के ऊपर आपको कौन सी डील्स देखने मिल रही है। अब अगर आपको 50,000 के अंडर कोई लैपटॉप चाहिए था, अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हो, तो आप 35,000 रुपीस का ASUS का लैपटॉप ले सकते हो, ASUS का VivoBook 14 आप ले सकते हो। अब ये वाला लैपटॉप एक Ryzen 5 3500U के साथ आता है, 14 इंचेस का लैपटॉप है, इसमें आपको 256GB की NVMe SSD देखने मिल जाती है, 8GB की यहाँ पे आपको RAM देखने मिल जाती है, Windows 10 प्री इंस्टॉल्ड आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है एंड साथ साथ में इंटीग्रेटेड Vega 8 GPU के साथ आता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि Vega इतना कैपेबल नहीं है, बट इस वाले लैपटॉप पे आप CS:GO जैसे गेम्स खेल सकते हो। नाउ गाइस अगर आपको एक तगड़ा गेमिंग लैपटॉप चाहिए 50,000 के आसपास, तो आप ये ASUS का टफ गेमिंग लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो, FX505DT 15.6 इंचेस की यहाँ पे आपको फुल HD स्क्रीन मिल जाती है, साथ साथ में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है ये एंड यहाँ पे आपको 4GB 1650 GPU मिल जाता है, साथ में Ryzen 5 3550H प्रोसेसर के साथ आता है, 8GB की यहाँ पे आपको RAM मिल जाती है एंड 512GB की यहाँ पे आपको SSD देखने मिल जाती है एंड Windows 10 प्री इंस्टॉल्ड इस वाले लैपटॉप में आपको देखने मिल जाता है। तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे थे जो कि आपको 50,000 के अंदर मिल जाए और काफी अच्छी खासी आपको स्पेक्स भी ऑफर करे, तो आप इस वाले लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो, काफी डिसेंट लैपटॉप है अगर आप प्राइस को कंसीडर करो, साथ साथ में भाई कार्ड यूज करके तो और सस्ते में आप इसको बाई कर सकते हो। नाउ गाइस अगर आपको 50,000 रुपीस के अराउंड ही अगर आपको एक IPS पैनल वाला लैपटॉप चाहिए तो आप इस वाले लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो, Acer का Nitro 5, ये 5.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले के साथ आता है जो स्पेक्स है ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी आपको Ryzen 5 3550H प्रोसेसर देखने मिल जाता है, 512GB की यहाँ पे आपको SSD देखने मिल जाती है, 8GB का RAM देखने मिल जाता है एंड 1650GPU देखने मिल जाता है, बट यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने मिल जाता है एंड वो वाले लैपटॉप में आपको 120 हर्ट्ज का फुल HD पैनल देखने मिल रहा था। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों ही लैपटॉप में से कोई एक लैपटॉप चूज कर लेना। ओके गाइस तो ये थे कुछ लैपटॉप्स जिनके ऊपर मुझे सही डील लगी। ओके गाइस तो अब बात कर लेते हैं कुछ अदर डील्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप एक 1650 सुपर बाई करना चाहते थे तो आप कलरफुल का 1650 सुपर कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल ये वाला जो GPU ये आपको 14,700 रुपीस में देखने मिल रहा है, बाकी आप HDFC का कार्ड लगा के और सस्ते में इसको परचेस कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप एक SSD बाई करना चाहते हो तो फिलहाल किंगस्टन की 240GB की SSD आप ओनली 2400 रुपीस में मिल रही है। भाई 240GB के लिए यार 2400 रुपए काफी कम प्राइस है, आप आराम से इसको कंसीडर कर सकते हो।
सकते हो। अब अगर आप 1000 रुपए के अंदर कोई हेडफोन ढूंढ रहे थे अच्छा सा, तो आप रेड गियर का क्लॉक RGB गेमिंग हेडफोन ले सकते हो जो कि माइक्रोफोन के साथ आता है। एंड पहले ये आपको 1000 रुपए के अराउंड सेल हो रहा था, बट फिलहाल ये आपको 800 रुपए में मिल रहा है, हालांकि 200 रुपए ही आपको यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। तो भाई आप इसमें 200 रुपए बचा के आप इसको 800 रुपए में कंसिडर कर सकते हो। नाउ अगर आपको 7.1 वाला हेडफोन चाहिए तो आप रेड गियर का कॉस्मोस 7.1 USB वायर्ड गेमिंग हेडसेट को कंसिडर कर सकते हो। ये वाला जो हेडफोन है ये फिलहाल भाई आपको 1799 रुपए में मिल रहा है। एंड पहले ये वाला जो हेडफोन है भाई 2200-2300 रुपए में मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको 500-600 रुपए का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 2000 के अंदर अगर आप कोई हेडफोन ढूंढ रहे थे तो ये वाले हेडफोन को कंसिडर कर सकते हो। सो बस गाइस ये थे वो कुछ डील्स। आई होप कि आपको इनमें से कोई ना कोई डील तो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी डील्स पसंद आ गई हो और अगर आप बाई करना चाहते हो तो सारी ही डील्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप बाई कर सकते हो। उससे आपके भाई के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं आज के वीडियो पे 2000 लाइक्स का, तो आई होप आप लोग फटाफट से पूरा करवा दोगे। तो मैं भी एक मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मचाते रहो। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.